हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीगल लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक प्रपोजल और ऑफर, जो कि एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। ये जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं वो सबके लिए है, चाहे वो लीगल स्टडीज के स्टूडेंट हो या फिर एलएलबी और एलएलएम के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टर्म प्रपोजल जो है वो डिफाइन किया गया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और डेफिनेशन है, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। मीन्स जब एक पर्सन अपना इच्छा किसी दूसरे पर्सन को बताए कि मैं ये पर्टिकुलर काम करना चाहता हूँ या फिर मैं ये पर्टिकुलर काम नहीं करना चाहता हूँ, ताकि जो भी पर्सन को ये इच्छा बताई गई है उसकी अनुमति मिल सके वो काम करने या ना करने की, उसे हम प्रपोजल कहते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। ए ने अपनी इच्छा बताई बी को कि वो अपना रेडियो 500 रुपीस में बी को बेचना चाहता है। बी ने एग्री कर दिया कि वो रेडियो ए से 500 रुपीस में लेगा। तो ये ए का प्रपोजल था फॉर द सेल ऑफ द रेडियो से। ओके, नाउ द टर्म प्रपोजल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो दिया हुआ है वो साइनोनिमस है विद द टर्म ऑफर यूज्ड इन इंग्लिश लॉ। नाउ कम्स एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर या प्रपोजल। तो सबसे पहला एसेंशियल वैलिड ऑफर या प्रपोजल का है लॉयलिटी ऑफ द पर्सन। वैलिड ऑफर के लिए दो पर्सन चाहिए। पहला जो ऑफर देगा उसे कहते हैं ऑफर, और दूसरा जिसको ऑफर दिया गया वो है ऑफरी। नेक्स्ट एसेंशियल है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल टू द ऑफरी। एक प्रपोजल या ऑफर इफेक्ट में तभी आएगा जब वो प्रपोजल या ऑफर दूसरे पर्सन को दिया जाए, जिसे हम ऑफरी कहते हैं। सेक्शन 3 रिकॉग्नाइज करती है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन कैन बी डन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ बोल के, और राइटिंग लिख के, और बाय कंडक्ट मीन्स कोई भी एक्टिविटी के थ्रू। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहा गया है कि ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो पर्सन जिसके साथ ऑफर किया गया है उसके नॉलेज में ना आ जाए कि ऑफर हुआ है। एक फेमस केस है सेक्शन 4 से रिलेटेड, ना केस का नाम है लालमन वर्सेस गौरी। फैक्ट ऑफ द केसेस, गौरी दत्त का नेफ्यू घर से भाग जाता है। गौरी दत्त अपना एक नौकर को भेजता है उस लड़की को खोजने के लिए। जब नौकर चला जाता है तो गौरी दत्त एक पैम्पलेट बंटवाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि जो भी वो लड़की को खोज के लेके आएगा उसे 501 रुपए मिलेंगे। सर्वेंट को ये ऑफर के बारे में तब पता चलता है जब वो बच्चे को खोज लेता है। सर्वेंट सू करता है गौरी दत्त को रिवार्ड के लिए, पर फेल हो जाता है। जस्टिस बैनर्जी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एक ऑफर का एक्सेप्ट होना चाहिए, मीन्स एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस तब तक नहीं हो सकता जब तक ऑफर के बारे में ऑफरी को पता ना। ओके, नाउ कम्स थर्ड एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग द प्रपोजल। प्रपोजल दिया ही इसलिए जाता है कि वो एक्सेप्ट किया जाए उस पर्सन के थ्रू जिन्हें यह प्रपोजल दिया गया हुआ। मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस। नाउ कम्स फोर्थ एसेंशियल, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, अनएम्बिगियस एंड सर्टेन, और कैपेबल ऑफ बी मेड सर्टेन। प्रपोजल डेफिनेट होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मतलब टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी क्लियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फादर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ को लिखा कि उसके मरने के बाद कुछ शेयर वह अपनी बेटी के लिए छोड़ देगा। उसके डेथ के बाद जब सन इन लॉ ने प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किया, वो क्लेम फेल हो गई क्योंकि शेयर कितना होना चाहिए ऐसा कुछ भी क्लियरली कहीं नहीं लिखा था। तो अगर प्रपोजल हो तो उसका टर्म्स और कंडीशन जो है वो
क्लियर होना चाहिए. नाउ कम्स द फिफ्थ एसेंशियल. फिफ्थ एसेंशियल इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. प्रपोजल और ऑफर जो भी हो उसमें लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. मीन्स फॉर नॉट फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ प्रपोजल और ऑफर फॉर एनी फॉर्म ऑफ डैमेज अ पर्सन मस्ट अप्रोच टू कोर्ट फॉर कंपनसेशन. मतलब अगर ऑफर में अगर कोई डैमेज हुआ तो कंपनसेशन के लिए वो पर्सन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, लेकिन यही सोशल और मॉरल ऑफर में नहीं कर सकता. इसीलिए सोशल और मॉरल ऑफर्स को वैलिड ऑफर नहीं माना जाता है. नाउ कम्स सिक्स पॉइंट. ऑफर ये नहीं बोल सकता कि अगर इस दिन तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इन फ्यूचर उसे एक्सेप्टेड माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ एसेंशियल. एनी नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी मेड इन ऑफर. मतलब कितना भी टर्म्स और कंडीशंस ऑफर में दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग मॉल में गए, वहाँ पैंटलूंस में ऑफर लगा है कि दो कपड़ों पे एक कपड़ा फ्री है. बट देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस. वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 31 जनवरी तक, और उसके अलावा अगर एक बार हमने शॉपिंग कर ली तो हम वो कपड़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते. ओके, ये होप यू लाइक द वीडियो. सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.